हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखेंगे कि रेडेट नेक्स 7 में नेटवर्क कनेक्शंस को ग्राफिकली कैसे कॉन्फ़िगर और मैनेज किया जाता है। लास्ट टू वीडियोज में हमने नेटवर्क कनेक्शंस को NMCLI और NMTEL के थ्रू कॉन्फ़िगर और मैनेज कैसे किया जाता है, ये हमने लास्ट टू वीडियोज में सीखा था। इस वीडियो में हम नेटवर्क कनेक्शंस को ग्राफिकली कॉन्फ़िगर और मैनेज करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन मेन्यू पर जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम टूल्स। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है नेटवर्क्स। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो देखिए आपका जो नेटवर्क कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं डिवाइस कौन कौन सा, वायर्ड, ब्रिज, अननोन, नेटवर्क प्रॉक्सी। ठीक है, तो अभी हम वायर्ड इसमें एक वायर्ड डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड है, एक लैन कार्ड यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, और ये कुछ प्रोफाइल बनी हुई जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी प्रोफाइल, ये कुछ प्रोफाइल बनी हुई यहाँ पर ऑलरेडी, और उनमें से ये प्रोफाइल अभी एक्टिव, ये जो राइट चेकमार्क बता रहा है ये बता रहा है कि ये प्रोफाइल अभी करंटली यूज हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। NMCLI डेव स्टेटस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये जो डिवाइस है इस डिवाइस पर कौन सी प्रोफाइल अभी यूज हो रही है। ठीक है, और आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर यूज हो रहा है 192.168.190.10। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखिए 192.168.190.10। ठीक है, ये इस प्रोफाइल, ये आईपी एड्रेस इस प्रोफाइल में कॉन्फ़िगर है और यही यहाँ पर अभी यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप न्यू प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एड प्रोफाइल ऑप्शन बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से न्यू प्रोफाइल यहाँ से एड होगी। ठीक है, तो न्यू प्रोफाइल एड करने से पहले यहाँ पर देखिए कि जब आप न्यू प्रोफाइल एड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑप्शन दिखाई देंगे, चार, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और IPv4 IPv6। लेकिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पर डिटेल्स और रीसेट। ठीक है, तो रीसेट में यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, रीसेट और फॉरगेट। अगर आप इस प्रोफाइल की सारी सेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट द सेटिंग्स फॉर दिस नेटवर्क इंक्लूडिंग पासवर्ड बट रिमेंबर इट्स ए प्रीफर्ड नेटवर्क, तो इसके लिए ऑप्शन यूज किया जाता है। अगर आप इस प्रोफाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं फॉरगेट। ठीक है, और डिटेल्स में आपको बताएगा इस डिवाइस का मैक एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका मैक एड्रेस बताएगा, तो टू डेज अगो बता रहा है, लास्ट बार कब यूज हुआ था ये, दो दिन से पहले ये यूज हुआ था। ठीक है, अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर तो न्यू प्रोफाइल एड करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कीजिए एड प्रोफाइल पर, और उसके बाद अगर आप सिक्योरिटी ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका यूजर नेम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन कैसा आपको रखना है, MD5, TLS, फास्ट टनल, TLS, प्रोटेक्टेड, EAP। ठीक है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और यूजर नेम पासवर्ड, आस्क फॉर पासवर्ड एवरी टाइम, शो पासवर्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप कॉन्फिगर कर सकते हैं। अभी मुझे कॉन्फिगर नहीं करना सिक्योरिटी, इसलिए मैं इसको कॉन्फिगर नहीं कर रहा हूँ। फिर आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पर आप इस कनेक्शन प्रोफाइल का नेम असाइन कर सकते हैं, जो भी आप नेम असाइन करना चाहते हैं इस कनेक्शन प्रोफाइल को, वो नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं इसको असाइन कर रहा हूँ माई GUI प्रो। ठीक है, ये नेम मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, और फिर मैक एड्रेस बता रहा है कि आपको ये जो प्रोफाइल आप क्रिएट कर रहे हो, ये प्रोफाइल आपको किस डिवाइस पर यूज करनी है। ठीक है, तो आप इस एरो पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो सिस्टम का जो NIC है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप क्लोन करना चाहते हैं, क्लोन एड्रेस यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद MTU बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, MTU सबसे लार्जेस्ट पैकेट की साइज को बाइट्स में रिप्रेजेंट करता है जो डेटा लिंक लेयर ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 1500 होती है, और जनरली इसको स्पेसिफाई या चेंज नहीं किया जाता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अभी ऑटोमेटिक है तो जनरली इसको चेंज नहीं किया जाता है, जो डिफॉल्ट है वही यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट 1500 इसकी साइज होती है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट।
उसके बाद नीचे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कनेक्ट ऑटोमेटिकली और मैक अवेलेबल टू अदर यूजर्स। अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क मैनेजर इस प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दे जब भी अवेलेबल हो, ठीक है, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की है इस सिस्टम के सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो, तो उसके लिए ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो बाय डिफॉल्ट ये भी है सिलेक्टेड है। उसके बाद आई वर्जन 4 सेटिंग पर जाइए और यहाँ से आई वर्जन 4 अभी ऑन है, ठीक है, आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एड्रेस, आपको एड्रेस किस तरह कॉन्फिगर करना, ऑटोमेटिकली डीएसपी के थ्रू ऐसा कॉन्फिगर करना है आपका एनआईसी या फिर मैनुअल कॉन्फिगर करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको मैनुअल कॉन्फिगर करता हूँ। अगर आप डीएससीपी के थ्रू इसको कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन सिलेक्टेड होता है। तो अभी मैं इसको मैनुअल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर जो भी आप एड्रेस असाइन करना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर असाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आपका नेट मास्क और उसके बाद गेटवे, तो गेटवे अभी मैं साइन इसको कर 20.9। और उसके बाद यहाँ पर आपको डीएनएस सर्वर का एड्रेस और उसके बाद अगर आप राउट्स कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉन्फिगर कर सकते हैं। अभी मैं इसके लिए उसको कॉन्फिगर नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं कि आपको ऑन करना है या ऑफ करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आई वर्जन 6 पर जाइए, आई वर्जन 6 को मैं भी डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। और ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज दिस कनेक्शन ओनली फॉर रिसोर्स ओनली नेटवर्क्स, ठीक है। आप ये कनेक्शन केवल इस नेटवर्क में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है उन्हीं के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको डिसलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, एड बटन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर देखिए माई जी यू आई प्रो, अभी ये यूज नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस डिवाइस को ऑफ कर देना है और उसके बाद फिर से इसको ऑन कीजिए। तो देखिए ये प्रोफाइल अब यूज हो रही है। आईपी एड्रेस 192.168.209.10, हार्डवेयर एड्रेस यूज ये है, डिफॉल्ट आउट ये है, डीएनएस सर्वर इसका यूज हो रहा है 192.168.20.10, ठीक है। ये प्रोफाइल अभी यूज हो रही है। उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, टर्मिनल ओपन कीजिए और यहाँ पर NMCLI dev status कमांड एग्जीक्यूट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि इस डिवाइस पर भी कौन सी प्रोफाइल यूज हो रही, माई जी यू आई प्रो, ठीक है। आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर तो इस डिवाइस पर अभी जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है वो है 192.168.209.10, ठीक है, जो हमने इस प्रोफाइल में कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। और इस जब भी आप कोई कनेक्शन प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट होती है /etc/sysconfig और उसके अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है माई जी यू आई प्रो, ठीक है। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, get ifcfg my GUI Pro। तो देख लीजिए ये प्रोफाइल यहाँ पर, उस प्रोफाइल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने वहाँ पर कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। तो इस वीडियो हमने सीखा कि ग्राफिकली नेटवर्क कनेक्शंस को कॉन्फ़िगर और मैनेज कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।